हेलो एवरीवन, कैसे हो आप सब लोग? मस्त होंगे, स्वस्थ होंगे। सो दोस्तों, आज बड़े दिनों बाद मुलाकात हो रही है आप लोगों से। तो आप लोगों के बीच आज एक सबसे बढ़िया और एक सबसे बेस्ट नुस्खा लेके आया हूँ, जिसे 100 साल जीते हैं लोग और वेट भी कम करते, बॉडी को डिटॉक्स करते हैं। तो दोस्तों, आज चलते हैं हम लोग बनाने के लिए जो नीम होता है, नीम उसका जूस बताता हूँ कैसे वो सेहतमंद होता है, उसके क्या क्या फायदे होते हैं, उसको कैसे बनाते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। दोस्तों, सबसे पहले हम लेंगे नीम। मैं गांव में रहता हूँ तो यहाँ पे इजिली अवेलेबल हो जाता है। मैंने सुबह ही नीम लेके आ गया था मैं, और ये अभी थोड़ा गंदा है। तो सबसे पहले इसको लेके इसके पत्तों को तोड़ेंगे। हम देखते हैं कैसे तोड़ते हैं। पहले पत्ते आप देखो, हम इसके पत्तों को ऐसे हम तोड़ लेंगे, ये एक ही बारी में ऐसे निकल जाएगी, बहुत ईजी वे है। और ऐसे ही हम कम से कम हमें 20-25 पत्ते तो चाहिए ही थे, तो ऐसे निकाल लेंगे एक बारी में। दोस्तों फिर देख लो आप, ऐसे एक एक तोड़ के, ऐसे जैसे तोड़ते हैं ना, ऐसे तोड़ने की जरूरत ही नहीं है। इसको एक ही बारी में ऐसे जट से निकाल लेंगे। ये देखो निकल गए, ये देखो पत्ते। अभी इनमें काफी डस्ट होगा, आगे आगे अभी इनमें काफी डस्ट हो सकता है, क्योंकि बाहर पेट में लगे थे, इसमें जम्स भी होंगे। तो इसके लिए आज हमने सुबह सुबह पूरा तैयारी की थी, तो अभी मैंने इसके लिए गर्म पानी भी कर लिया है। अब इसको गर्म पानी में धोएंगे। जैसे कि ये मैंने गर्म पानी का रखा है, अब इनको गर्म पानी में डालेंगे। सबसे पहले इनको गर्म पानी में डालेंगे। दिखाओ आगे आगे, गर्म पानी में इनको धो लेंगे। हाँ, उतना गर्म भी नहीं है लेकिन गर्म है। इनको अच्छे से गर्म पानी में पहले धो लेंगे, ताकि इनका सब डस्ट और जम्स बाहर निकल जाए। तो दोस्तों, हमने अपने जरूरतमंद के अकॉर्डिंग जितने पत्ते हमें चाहिए थे, जितना जूस हमें चाहिए था, उसके अकॉर्डिंग हमने धो भी लिए, साफ भी कर लिए। अभी इसे हम ग्राइंड में डालेंगे, ग्राइंडर में। गिर गया नीचे। सबसे पहले डालेंगे हम ग्राइंडर में, ठीक है? तो ऐसे डालेंगे, ठीक। उसके बाद हम थोड़ा सा काला नमक ले लेंगे, थोड़ा सा, जिससे थोड़ा टेस्ट आ जाए पीने लायक। थोड़ा सा काला नमक के अंदर डाला हमने, पता नहीं कैसा इसका टेस्ट होगा, बेस्ट होता है, सबसे बेस्ट। और अपने अकॉर्डिंग थोड़ा सा पानी तक ग्राइंड करने में इजी हो जाए। बस अब इसको हम मिक्सी में ग्राइंड करते हैं। चलो देखते हैं। अभी हम इसको 1.5 से 2 मिनट के लिए ग्राइंड करेंगे, फिर मैं आपको उसके बाद दिखाता हूँ। क्योंकि शोर काफी करेगा, इसलिए आप इरिटेट हो जाओगे, वीडियो छोड़ के भाग जाओगे। तो वीडियो तक बने रहे, लास्ट तक मैं आपको दिखाता हूँ कैसा रहेगा। ये देखते हैं दोस्तों, हमारा जूस कैसा लग रहा है तैयार होने के बाद। अब इसको डालेंगे ग्लास के अंदर। इसमें अपने अकॉर्डिंग थोड़ा सा पानी मिला लेना, ताकि ज्यादा कड़वा ना लगे। इसमें थोड़ा सा पानी मिलाएंगे अपने अकॉर्डिंग। तो फाइनली तैयार हो गया नीम का जूस। आप इसको पियो, इसके बहुत सारे फायदे हैं। और अपने अकॉर्डिंग थोड़ा सा जैसे आपको ठीक लगे, थोड़ा सा ज्यादा कड़वा लग रहा है तो थोड़ा सा शहद मिला लेना इसके अंदर, नींबू डाल लेना। लेकिन मैं तो यही प्रिफेयर करूंगा कि आप इसको ऐसे ही पिए, ताकि बेस्ट रिजल्ट मिले आपको, हफ्ते में 3 दिन सुबह खाली पेट। सो वीडियो अच्छी लगी तो दोस्तों लाइक शेयर सब्सक्राइब कर देना चैनल को। जो फर्स्ट टाइम आए भाई, वो चैनल देख लेना। आप लोगों से रिक्वेस्ट है कि आप मेरे को सपोर्ट करें, ताकि मैं ऐसी ही अच्छी अच्छी वीडियोस लाता रहूं। थैंक यू।